हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो इन्फ्लुएंस। आज की इस वीडियो में मैं इस जो ब्लूटूथ हेडफोन है इसका बैटरी रिप्लेस करेंगे, बल्कि इसका बैटरी जो है हम पुराने एक घड़ी का बैटरी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका बैटरी ख़राब हो चुका है। और ये जो घड़ी है फिट प्रो घड़ी है, बहुत सस्ती घड़ी है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है ये ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें हमने पहले भी एक बार इसका बैटरी ख़राब होने की वजह से इसका बैटरी भी चेंज किए थे, लेकिन इसका जो बैटरी है एकदम अच्छा है। तो इसको हम निकाल के ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है इस पर रिप्लेस करेंगे। इसका जो बैटरी है, जो लिथियम पॉलिएस्टर बैटरी है, वो लिथियम पॉलिएस्टर बैटरी ये बहुत दिन होने की वजह से अभी ख़राब हो चुका है। अब देख सकते हो तो बैटरी जो है फूला हुआ है। तो बैटरी ख़राब होने से क्या होता है, आपको जब आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो बैटरी होता है ये फूल जाता है। तो इसका जो यहाँ पे कनेक्टर लगा है, BMS लगा है बैटरी के ऊपर, और छोटा सा कनेक्टर लगा है जिस पे सोल्डरिंग कर रखा है। तो इसको हम खोल के दूसरा बैटरी चेंज करेंगे। पहले हम घड़ी को खोलते हैं, घड़ी का बैटरी निकालेंगे। दोस्तों, आपको एक अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आपको कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, चलिए इस घड़ी को खोलते हैं। घड़ी की डिस्प्ले की कवर निकल गई, अभी ये जो डिस्प्ले है खराब वाली, और इसके साथ में जो CPU लगा है छोटा सा। तो यहाँ से आप हम उठाएंगे तो अभी नीचे बैटरी दिख रहा होगा आपको। अब CPU को खोलेंगे। ये घड़ी का जो CPU या मदरबोर्ड कह सकते हो, और यहाँ पे एक छोटा सा जो वाइब्रेटर मोटर है, ये पूरा सिस्टम उसका बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हम घड़ी को अलग करेंगे, प्लस इसका जो पहले कनेक्टर हटा देते हैं। कनेक्टर हटाने के बाद आप देख सकते हो पीछे इसका जो सेंसर लगा था, जो STO सेंसर है, वो यहाँ पे बहुत छोटा सा, क्योंकि ये घड़ी एकदम सस्ती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक बैटरी है और ये जो वाइब्रेटर मोटर है, जो नोटिफिकेशन आने से आपके हाथ पे वाइब्रेट होता है, वो मोटर चलती है। यहाँ पे जो घड़ी मैंने कह रहा था कि पहले भी मैंने घड़ी इसका रिप्लेस किया था, यहाँ पे हीटसिंक ट्यूब दिख रही है आपको, ये भी किसी चीज़ का मैंने बैटरी रिप्लेस किया था। तो ये जो बैटरी है ये 220 mAh का है और 3.7 volt का ही है, तो बड़ी आसानी से ये ब्लूटूथ पर लग जाएगा। यहाँ पे दोनों सोल्डरिंग आराम से हटा देते हैं। तो इसके बाद हम इस जो मदरबोर्ड है इसमें से जो वाइब्रेटर है इसको निकाल के रखेंगे। ये कहीं पे काम आ सकती है और कहीं किसी को प्रैंक करने में भी काम आ सकती है। आप इसको रख लेते हैं साइड में। तो ये है बैटरी, इस बैटरी को हम ब्लूटूथ हेडफोन पर रिप्लेस करेंगे। ले आते हैं ब्लूटूथ हेडफोन। अभी इसका जो बैटरी है इसको सोल्डरिंग हटा देते हैं, फिर तुरंत इसमें नया वाला बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको ध्यान रखना है रेड और ब्लैक वायर का है, जो पॉजिटिव नेगेटिव का पोलैरिटी है। मैंने लेफ्ट साइड में से ब्लैक निकाल रहा हूँ, राइट साइड में से रेड, तो ये ध्यान रख के उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा हमको। तो मैंने बैटरी को निकाल लिया। अब जो अच्छा वाला बैटरी है इसको भी हमने सोल्डरिंग कर दिए, ठीक वायर का ध्यान रखते हुए, राइट साइड में रेड और लेफ्ट साइड में ब्लैक। तो ये सोल्डरिंग हो चुकी है। चलिए इसको अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। उसी प्रॉक्सी सेंसर का जो डबल टैप है, मैं उसी को यूज़ करता हूँ बैटरी को चिपकाने के लिए, नहीं तो बैटरी अंदर आवाज़ करेगा। तो इसको मैंने ब्लूटूथ के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लेता हूँ डबल टैप के ज़रिए। यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, और इसका जो कवर है, कवरिंग को हमको किसी ग्लू का सहायता से जोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर फेविक्विक से जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर साइड साइड को और हिस्से में फेविक्विक अप्लाई कर देना है और आराम से इसको चिपका देंगे। दोस्तों, ये कैसे चलता है मैंने वीडियो की एंड में दिखा दूंगा, और फिर भी आपको कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। राउंड सर्कल के अंदर मेरी फ़ोटो आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।